Good morning. Welcome to Aryabhatta Mathematics. Today we will study about light part 2. हमने rules for image formation पढ़ा था. आज हम लोग आगे उसके पढ़ेंगे यानी reality में image formation, आखिर image formations के क्या examples हैं, क्या ways हैं. Okay. अगर आपको ये video अच्छा लगता है तो please हमारे channel को subscribe कीजिए, video like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और video को last तक देखिएगा. Images formed by spherical mirrors. Spherical mirrors form images of an object that may be smaller, larger or of the same size, erect or inverted. यानी कि spherical mirrors जो होते हैं object के जो images बनाते हैं वो या तो छोटे हो सकते, बड़े हो सकते हैं, same size के भी हो सकते हैं, erect भी हो सकते हैं और inverted भी हो सकते हैं. ये उनके type या फिर distance पर depend करता है कि वो कितनी दूरी पर है. यानी स्फेरिकल मिरर कितनी ऑब्जेक्ट है और वो कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, तो इन दोनों में ही जनरली इमेजेस जो होते हैं ना वो दो टाइप में बांट दिए जाते हैं. इमेज दो में से किसी एक तरह का हो सकता है, या तो वो रियल इमेज होगा या तो वर्चुअल होगा. आखिर दोनों में क्या अंतर है? रियल इमेज वो होता है जो एक्चुअली किसी पॉइंट पर एक दूसरे पर, यानी एक्चुअली लाइट रेज जब किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, एंड एट दैट पॉइंट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड. एंड वर्चुअल इमेज एक्चुअली इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी रियलिटी. यानी वो रियलिटी में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट रियलिटी में नहीं कर रहा, या फिर ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला है, या फिर लगता है कि वो कर वहाँ से वो निकल रहा है उस पॉइंट से वो लाइट रेज. तो ऐसे केस में जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है क्योंकि रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, जो रियल इमेज होते हैं उसे हम टच भी कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को टच नहीं किया जा सकता. और जो रियल इमेज होता है वो मिरर के फ्रंट पे बनता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, क्योंकि फ्रंट ही में मिरर के लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगे. बैक में तो लाइट रेज जा ही नहीं सकती किसी मिरर के, इसीलिए वहाँ पर वो रियल इमेज नहीं बन सकता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बन सकता है. इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स मतलब वर्चुअल इमेजेस मिरर के बिहाइंड ही बनती है ना. रियल जो इमेजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर्स ही उनको बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो रियल इमेज नहीं बना सकते. okay? और जो हमारा वर्चुअल इमेज है उन्हें कॉनकेव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है और प्लेन भी. अब आप देखो ध्यान से, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका अपना इमेज दिखता है प्लेन मिरर में. क्या आप अपने इमेज को छू सकते हो? नहीं. क्या वहाँ पे एक्चुअली रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट्स है? नहीं. क्यों, क्या वो नहीं है मिरर के पीछे? तो ये सारे प्रॉपर्टीज तो वर्चुअल इमेज के हुए ना. हेंस प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज ही बनता है. एंड द लास्ट वन कॉनकेव, जब अलग कंडीशन हो तो इसमें इमेज वर्चुअल बन सकता है. अब हम इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो वर्चुअल आई मीन रियल इमेजेस हैं वो इन्वर्टेड होते हैं. क्या होते हैं? इन्वर्टेड. द रियल इमेजेस आर ऑलवेज, यानी उनका सर नीचे पैर ऊपर हो सकता है. ओके, ऐसे इमेजेस को इन्वर्टेड कहते हैं. और जो वर्चुअल होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, वो जैसे इधर थे सर ऊपर पैर नीचे तो उधर भी सर ऊपर पैर नीचे ही आएगा. लेकिन इन्वर्टेड में अगर इधर सर ऊपर पैर नीचे है तो दूसरी तरफ पैर ऊपर सर नीचे हो जाएगा. तो रियल इमेजेस हमेशा क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं. इस तरीके से आप ओरिएंटेशन देख सकते हो कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड. अब प्लेन मिरर में देखो, बताओ सर ऊपर पैर नीचे दिखाता है? नहीं ना, तो ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल इमेज है. तो ये ओरिएंटेशन देखकर हम चेक कर सकते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, या फिर उन्हें टच करके भी. अगर आप टच कर पाते हो देन इट इज गोइंग टू बी रियल, एंड इफ यू कांट देन इट इज अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, अब हम स्फेरिकल मिरर से अलग अलग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक
एक्सपेरिमेंट है, हम आपको थोड़ा समझा दे रहे। तो फिर क्या किया गया है ना, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया गया और एक शॉर्पनर लिया गया और उसका इमेज देखना शुरू किया गया। बहुत दूर रखते थे तो देखते थे कि जो साइज और ओरिएंटेशन है उसको ऑब्जर्व किया, और फिर जब डिस्टेंस घटाया तब उसके साइज और ओरिएंटेशन को ऑब्जर्व किया, और इसी तरह डिस्टेंस घटाते घटाते चेक किया। सुनिए, जब वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो साइज उसका छोटा हो गया और कैरेक्टर इन्वर्टेड। उसी तरीके से जब वो 15 पर था तो उसका साइज इक्वल हो गया और कैरेक्टर अभी भी इन्वर्टेड ही है। फिर उसके बाद जब वो 10 हुआ तो साइज लार्जर हो गया और कैरेक्टर अभी भी इन्वर्टेड है, लेकिन जैसे ही वो 5 हुआ उसका जो साइज है लार्ज हो गया थोड़ा सा ही और यहाँ पे इरेक्ट आ गया। तो अगर हम रियलिटी में अगर कभी देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे इमेजेस बनते हैं, कितनी दूरी पर बनते हैं, कौन से इमेजेस बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं, तो हम इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक कॉनकेव मिरर की ज़रूरत होगी, एक अच्छा सूटेबल डिस्टेंस मीज़र होना चाहिए, ये सब लैब ही में ज़्यादा करना चाहिए। ओके, आप कॉनकेव मिरर की तरह कन्वेक्स मिरर भी लेकर आप ये स्टेप्स कर सकते हो। और आगे लेंस पढ़ना है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी आप बनाओगे तो वो भी इसी टाइप का होता है। आगे चलते हैं, अब रियलिटी में हम लोग सारे वेज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लो जिनके शाइनी सर्फेसेज हैं और उन्हें आप प्लेन कॉन्वेक्स या कॉन्केव बताओ। अब चम्मच देखो, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना उसको कॉन्केव मिरर कहते हैं और जो बाहर वाले से होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर तो आपके घर ही में ना। द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, द डिफरेंट वेज इन विच अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर आर एज फॉलोज। मतलब अलग अलग वेज जो है जिससे एक रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होता है वो नीचे है। हमने पहले भी बताया था कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट इज़ फिक्स्ड कि वो फोकस से पास करेगा अगर वो एक कॉनकेव मिरर है, और अगर वो एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास कर रहा है। इन दिस केस कॉन्केव मिरर में वो फोकस से पास करेगा अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास कर रहा है। ओके, केस टू क्या था कि जब कोई भी लाइट रे है वो फोकस से पास करता है या फिर ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चला जाता है। दोनों ही केस में वही होता है। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे देखिए फोकस से पास करते हुए एक लाइट रे आया और फिर वो पैरेलल हो गया। यहाँ पे फोकस की तरफ एक लाइट रे आया कॉन्वेक्स मिरर के केस में और फिर वो पैरेलल हो गया। तो दोनों केस में पैरेलल हो गया। एंड द थर्ड वन, जब इंसिडेंट रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो अनरिफ्लेक्ट चला जाता है। ओके, कैसे चला जाता है? अनरिफ्लेक्टेड। क्यों ऐसा? क्योंकि सेंटर हमेशा हर एक पॉइंट ऑफ द मिरर से 90 डिग्री बनाता है। द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ और तो रिफ्लेक्टेड रे का भी तो एंगल 0 डिग्री होना चाहिए ना, इसीलिए दोनों एक ही लाइन में। एंड द लास्ट वन, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तो वो रिफ्लेक्टेड बैक आ जाता है, जैसे कि अगर इस लाइन में जा रहा है तो। ठीक है, उसी तरह केस 5, अगर वो ऑब्लिकली हमें दिया जा रहा है, इंसिडेंट रे एंगल बनाकर आ रहा है पोल पर तो वो सेम एंगल बनाकर चला जाएगा क्योंकि ये जो पीसी है ये यहाँ पर नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। ओके, ये सारे इमेज फॉर्मेशन की रूल्स थे जो कि शायद मैंने तुम लोग को पहले भी बताए थे। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी पूछा जा रहा है कि चार स्फेरिकल मिरर्स हैं जिन्हें R1, R2, R3 और R4 पर रखा गया और एक सनलाइट के सामने रखा गया और एक ब्राइट स्पॉट भी देखा जा रहा है पेपर शीट पर। किस मिरर का जो है ब्राइटेस्ट स्पॉट सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा पोल से? तो एक बात याद रखना चाहिए कि जो हमारा इंटेंसिटी है, आई मीन डिस्टेंस जो है वो फोकस, वो फोकस से है, फोकल लेंथ है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ सबसे, वो मिरर सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट यानी जो फोकस स्पॉट बन रहा है सनलाइट का वो सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा।
ओके तो ये एक्चुअली वो इन्फिनिटी वाले केस पे है, आप जब इसको फॉर्मेशन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों बना सकता है। ओके जो नेचर होता है इमेज का वो डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पर है। तो पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो ठीक है। देखिए ये हमारा मिरर होगा, मिरर होगा और फिर उसके बाद ठीक है ये हमारा मिरर है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अनंत पर। तो रेज जो है शुरुआत में पैरेलल है, तो हमने क्या सीखा था कि रेज जब भी पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से ही पास करते हैं। तो ऑब्वियसली सब फोकस से पास करेंगे, यानी इमेज फोकस पर बनेगा। ठीक है तो इमेज फोकस पर बन रहा है तो इमेज की प्रॉपर्टीज भी तो हमको पता होने चाहिए ना कि आखिर कैसे इमेजेस हैं। ये वाला जो तरीका है इसमें साफ साफ हमें इमेज की प्रॉपर्टी नहीं पता चलते हैं। तो आप एक काम करो, आप इस तरीके से ओके जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो आप ये मिरर देखो। देखो इन्फिनिटी से दो पैरेलल रेज आ रहे हैं, पहला जब वो फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जा रहा है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आ रहा है वो अनडेविएटेड चला जा रहा है। देन इस पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, तो हैंस इमेज विल बी लाइक दिस। तो आप सोचो फोकस से कोई रे आ रहा है तो समझ लो वो कितना बड़ा होगा और हमारा इमेज कितना छोटा बन रहा है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ बताएं, पहले लोकेशन बताते हैं, द लोकेशन विल बी एट फोकस, दूसरा साइज बताते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा ओके मतलब, तीसरा हम नेचर बताते हैं तो ये रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। हेंस दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम लोग को ध्यान रखना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के बाद। ठीक है आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड हो, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तब क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल आएगा, फोकस से चला जाएगा, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, यहाँ के कटेगा। तो ये रहा हमारा इमेज। इमेज देखो थोड़ा छोटा बना है, बना है कि नहीं, छोटा छोटा बना है, रियल इन्वर्टेड बना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बना है। तो ये प्रॉपर्टीज हुए। आगे के हम रूल्स आई मीन इमेज फॉर्मेशन की बेस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हंस थैंक यू।